नमस्कार, न्याय भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दिन का इतिहास। जुलाई सन 1827 को बलिया जिले के एक गांव में जन्म हुआ मंगल पांडे का, जिनको 1857 की क्रांति के लिए जाना जाता है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में सिपाही थे। उन्होंने सिपाही विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गद्दार करार दिया। सिपाही विद्रोह बैरकपुर से शुरू होकर मेरठ, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक फैल गया। इसने जन्म दिया स्वतंत्रता की सबसे पहली जंग, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। बंगाल इन्फेंट्री में उनकी सर्विस के दौरान अंग्रेजों ने बंदूक का एक नए तरह का कार्ट्रिज बनाया, जिसमें गाय और सूअर का मांस था। इस कार्ट्रिज को राइफल में डालने से पहले मुंह से छीलना होता था। धार्मिक कारणों की वजह से ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान इसका इस्तेमाल कर सकते थे। मंगल पांडे को ये अंग्रेजों की सोची समझी घटिया चाल लगी, जिस पर वो भड़क गए। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को इस बात के खिलाफ लड़ने के लिए राजी कर लिया। उनके गुस्से का सबसे पहला शिकार हुए लेफ्टिनेंट बाओ। मंगल पांडे की गोली से तो वो बच गए, लेकिन उनकी तलवार ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। मंगल पांडे के कुछ साथी सिपाहियों ने उनके साथ गद्दारी की, जिसकी वजह से वो पकड़े गए। उनके पकड़े जाने के बाद उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया। अंग्रेज ऑफिसर्स का कहना था कि अपने कोर्ट मार्शल के वक्त मंगल पांडे ने ये कहा कि वे ओपियम और भांग के नशे में थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो सच बोल रहे थे या झूठ। मंगल पांडे के ट्रायल के बाद उन्हें 18 अप्रैल के दिन फांसी दिए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन दूसरे सिपाहियों में रोष न भड़क जाए इस बात से डरकर उन्हें 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की फांसी ने देश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी। उनकी शहादत ने सिपाहियों में आक्रोश पैदा कर दिया और सिपाही विद्रोह शुरू हो गया। 1857 की क्रांति देश को आजादी तो नहीं दिला पाई, लेकिन भारतीयों में रोष बढ़ा गई। 5 अक्टूबर सन 1984 को भारतीय सरकार ने मंगल पांडे की डाक टिकट भी जारी की, जिस जगह पर मंगल पांडे ने अंग्रेजों पर गोलियां बरसाई और जहां उन्हें फांसी दी गई, उस जगह को शहीद मंगल पांडे महा उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आज का इतिहास। बने रहिए न्याय भारत के साथ और देखते रहिए हिस्ट्री नामा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्याय भारत।